तीसरे वनडे मुकाबले में ताबड़तोड़ दोहरा शतक जड़कर ईशान किशन ने रच दिया नया इतिहास और टीम इंडिया के बन चुके हैं नए स्टार। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में जिस अंदाज में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारी के लिए है तो विराट कोहली भी उसकी पारी को निहारते रहे। बताएंगे इनकी बैटिंग का पूरा हाईलाइट विवरण, किस अंदाज में इन्होंने छक्के चौकों की बरसात की है और टीम इंडिया का स्कोर ही नहीं बल्कि खुद का स्कोर भी किस अंदाज में ताबड़तोड़ दोहरा शतक बनाया है। आज टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो शिखर धवन एक बार फिर से पवेलियन में जल्दी लौट गए। उसके बाद में विराट कोहली की मैदान में वापसी हुई लेकिन विराट कोहली बस दूसरे छोर पर खड़े रहे और ईशान किशन को स्ट्राइक देते रहे। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारी के लिए पहले तो 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद में 83 गेंदों में ताबड़तोड़ 2 छक्के और 13 चौके जड़ते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। यह ईशान किशन का पहला शतक था लेकिन इनकी पारी यही नहीं रुकी। उसके बाद में मैच 43 गेंद और खेलते हुए इन्होंने 9 छक्के और 23 चौके लगाते हुए अपना दोहरा शतक कर लिया और टीम इंडिया का स्कोर जो है 300 के पार पहुंचा दिया। तो वहीं विराट कोहली भी काफ़ी ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 85 के स्कोर पर आ चुके हैं और ये भी बहुत ही जल्दी अपना शतक पूरा करने वाले हैं। लेकिन ईशान किशन महज अपना पहला ही शतक करने वाले थे कि उसमें भी इन्होंने दोहरा शतक जम दिया। उसके बाद में इन्होंने रोहित शर्मा हो, सहवाग हो या फिर सचिन हो, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि इन्होंने एक बारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए बल्कि चौकों की भी बारात लगा दी। उसके बाद में इनकी पारी यहीं नहीं रुकी और लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्द अपना 13 शतक भी लगा सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।